मुख्यमंत्री की घोषणाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं हरियाणा की अलग विधानसभा के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी श्रुति चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही विपक्ष के पास कोई मुद्दे। सिंचाई विभाग की बुलाई गई बैठक में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए, इस बारे में मंत्री श्रुति चौधरी से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सिंचाई विभाग की आज बैठक हुई, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, इस समय मेरे साथ है सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, इनसे जानते हैं कि आज अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे आपको पता है कि सिंचाई विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और एक इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं कि किस तरीके से कहाँ से पानी लाया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं और उन चीज़ों पे मॉनिटरिंग कि कहाँ कहाँ जो भी कमियाँ हैं, पहले तो जितनी भी सीएम अनाउंसमेंट्स जो हैं वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, कोई भी डिलेज नहीं होने चाहिए, सब टाइमलाइंस पे चलना चाहिए। और जो हमारा जो टेल तक पानी किस तरीके से हमारा जो आखिरी गाँव में जो आखिरी व्यक्ति तक पानी पहुंचना चाहिए, तो उसके एक साधारण लैंग्वेज में वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है और उस को लेते हुए आगे कैसे बढ़ना है उसके ऊपर बात हुई, आगे का रोड मैप को लेके। श्रुति जी, आपके पास एक और महत्वपूर्ण विभाग है महिला एवं बाल विकास, उसमें काफ़ी कुछ होने वाला है और लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीद है, उस विभाग में अभी तक आपने क्या महसूस किया है और क्या नया करने जा रहे हो? जैसे मैंने कहा कि एक तो हम हर तरीके से इस विभाग को इफेक्टिव रहना है क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे 50% पॉपुलेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, हमारी बहनों और माताओं कि जहाँ पे स्वास्थ्य आता है, जो 6 साल के जो बच्चे हैं उन 6 साल की उम्र के और उससे कम के बच्चे, उनके पोषण पे, उनके हेल्थ पे, और बहुत स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स पे क्या काम हो रहा है ज़मीन पे, उनका क्या लाभ है, हमारे चाहे ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें हों चाहे हमारे शहरों की हों, तो वो सारा की सारा जो है एक उसका मुआयना लेना, और उसके अलावा हमें डेवलप करना है आगे के लिए, जो मैंने कहा है कि हमारा एक कंपोनेंट स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पे हमारी जो माताएं बहनें हैं वो ट्रेनिंग ले पाएं, क्योंकि आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उसके अंदर अब जैसे आपको पता है कि उसमें प्ले स्कूल्स भी, हम जैसे 4,000 प्ले स्कूल्स अभी बने हैं और 4,000 और अब बनने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से तमाम चीज़ वहाँ पे ये सब हो और स्किल डेवलपमेंट जहाँ पे हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको ट्रेनिंग किस प्रकार से अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ जो जिस का तरीका है वहाँ पे किस प्रकार से, जैसे मैंने कहा है कि जो दक्षिण हरियाणा का एक एग्जांपल लिया है कि दक्षिण हरियाणा का इलाका है जहाँ पे बाजरा होता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाजरे को बहुत बड़े तरीके से उसको इंटरनेशनल विश्व में उसको बहुत आगे उसको उसका बढ़ोतरी करी गई, उसको आगे शोकेस किया गया दुनिया को, तो उस प्रकार से जो तो जो लोग जो किसान जहाँ पे बाजरा पैदा करता है तो वहाँ के गाँव की जो हमारी जो बहन है जहाँ वहाँ के हमारी जो माताएं हैं जो इंटरेस्टेड हैं उनको किस प्रकार से कि वहाँ पे कुछ हम डेवलप कर सकें, कि वो चाहे बिस्किट्स हों चाहे कोई खाने पीने की बात हो, कि वो किस प्रकार से हम उन चीज़ों को आगे ला सकते हैं जिस जिस क्षेत्र में, जैसे बता रहे थे कि एक शहर का उन्होंने एक उदाहरण दिया था जहाँ पे एक स्किल डिवेलपमेंट के रूप में 80 के करीब हमारी माताओं बहनों को रिक्शा ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी और किस प्रकार से उसमें बहुत सक्सेस स्टोरीज आई जहाँ पे उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया
और उनको फिर आगे एक एक जरिया मिला अपने कमाने का। तो इस प्रकार से एक किस पूरा इंटरेस्ट लेके कि क्या क्या चल रहा है ग्रास रूट पे, ताकि जो इतनी अच्छी स्कीम्स बना रखी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, वो जो लाभ है वो हमारे महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को पहुंचे। नई विधानसभा बनने का रास्ता साफ हो गया, इसको आप कैसे देखते हो और लोगों को इससे क्या लाभ होगा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि पहले विधानसभा को ये एक्सटेंड किया जा सकता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और एक ज़रूरत भी है आज के दिन, जैसे जो समय के साथ साथ ये एक डिमांड रही है और उसको पूरा, जैसे आपको पता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि किसी चीज़ को लंबित नहीं रखती, एक्शन, क्विक एक्शन लेती है, और ये एक बहुत अच्छी अच्छा कदम है। और जैसे आपको पता है कि एक नया बनने से और अपने विधानसभा आने से एक पूरा मैसेज भी जाएगा कि ये एक हरियाणा का एक्सक्लूसिव विधानसभा है, और इसमें ख़राब बात तो मुझे कोई नज़र नहीं आती इसमें। श्रुति जी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने पराली प्रबंधन को लेकर कहा है सरकार की फेलियर है, और दूसरा कहा है कि DAP खाद की कमी है, तो इसको लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। नहीं, उनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। कल भी विधानसभा में जब माननीय गवर्नर साहब के एड्रेस पे उन्होंने जब भाषण, सारे विपक्ष जब दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी के पास तो कुछ था ही नहीं, कोई आलोचना करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो सिर्फ बोल रहे थे EVM आप आए हैं, ये गलत तरीके से जीत के आए, EVM ने आपको जिताया है। तो उससे दिखता है कि कितना एक खोखलापंती आ गई है विपक्ष में, कोई इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। जहाँ तक आप पराली की बात कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस विधानसभा में इसको बहुत ज़ोरों शोरों से एम्फसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा का जो रोल है उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, और 45% पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस इस बारी रही है हरियाणा की पराली कंट्रोल में। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हमारा जो अन्नदाता इसमें इन्वॉल्व्ड है, और प्यार से समझा के, क्योंकि एक इसमें कई सारी बातें हैं और अलग अलग विकल्प दिए हैं हमारे किसानों को, कि उस विकल्प को, उन विकल्पों को वो एक अपना रास्ता अपना सकते हैं, ताकि आगे, क्योंकि ये हमें एक बचाव रखना है, वायु पल्यूट ना हो। इसमें सब हमारे अन्नदाता भी इन्वॉल्व हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सब इन्वॉल्व हैं, और इसको हमको बचा के रखना है। तो उसके लिए हरियाणा बहुत सीरियस है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा का रोल अप्रिशिएट किया है। ये थी मेरे साथ महिला एवं बाल विकास व सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी। इन्होंने बताया कि आज की बैठक में अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं, वहीं उन्होंने पराली प्रबंधन को लेकर भी जानकारी दी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।